आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ सीक्रेट सुपर हीरो कार्स को चोरी करने वाले हैं और इन कार्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे 80 मिलियन डॉलर्स देगा। तो भाई सिमियन ने मुझे बताया है कि जो हमारी पहली सुपर हीरो कार है वो इस सामने वाले विला के अंदर है। और भाई ये क्या यार, ये जो पूरा का पूरा विला है ये सिर्फ ग्लास का बना है। तो चलो यार हम लोग जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। लेकिन एक सेकेंड यार, इस विला के अंदर तो सिक्योरिटी गार्ड है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ एक गार्ड है और एक गार्ड यहाँ पे भी है। तो चलो यार हम लोग जल्दी से इन दोनों को स्नाइपर से मार देते हैं। ओके, तो अब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। तो चलो यार हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं। अरे यार शीशा टूट गया है और हम लोग डायरेक्ट घर में आ चुके हैं। और यार हम लोग यहाँ पे सारे बंदों को मार देते हैं। इसलिए भाई मैंने अपने हाथ में एक ऐसा गन ले लिया है जो कि सिर्फ स्पाइडरमैन को कुछ देर के लिए बेहोश करेगा। तो चलो यार इतने में स्पाइडरमैन बेहोश हो चुका है और जो बचे हुए लोग हैं हम लोग उन्हें गोलियों से भून देते हैं। तो चलो यार हमने फाइनली सभी को मार दिया है। और चलो यार हम लोग जल्दी से इस कार को लेते हैं। और यार ये तो टेस्ला की एक साइबर ट्रक है। और ये देखो भाई इधर भी कोई बंदी है। तो चलो यार हमने उसे भी मार दिया है। तो चलो अब हम लोग जल्दी से इस कार में बैठते हैं। लेकिन यार हम लोग इसे निकालेंगे कैसे? अरे यार ये तो पूरा शीशा ही टूट रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि हम लोग अपनी कार को यहाँ से कूदा देते हैं। ए भगवान यार बचा लेना। चलो चलो चलो, तो हम लोग आराम से सेफ लैंडिंग प्लीज यार प्लीज। ओके, तो हम लोग यहाँ जमीन पे आ चुके हैं। और यस यार हमने बहुत ही आसानी से अपनी पहली सुपर हीरो कार को चोरी कर लिया है। तो चलो यार फ्रैंकलिन जल्दी से इस कार को हम लोग अपने घर पे ले चलते हैं। ये लो सिमियन, मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन की कार को चोरी करके ला दिया है। तो चलो यार हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी अगली हीरो की कार लेने। चलो भाई, तो सिमियन ने मुझे अगली कार को चोरी करने के लिए इस सामने वाले मैंसन पे भेजा है। लेकिन एक सेकेंड भाई, तुम लोग देख सकते हो कि इस मैंसन के अंदर कितने सारे बॉडी गार्ड लगे हैं। ओ शिट मैन, चलो हम लोग जल्दी से छुप छुप के आगे चलते हैं। तो यार हम लोग फिर इस घर के अंदर घुसेंगे कैसे? एक सेकंड यार, मुझे एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। तो इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पे चढ़ते हैं और अब इस घर के बैक साइड पे पीछे पीछे चलते हैं। चलो यार आराम से फ्रैंकलिन, गिरना मत। अरे यार चलो भाई, तो आगे जाने का एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और ये देखो भाई, चलो तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में एक चाकू को ले लेते हैं और कोई हमें देख भी नहीं रहा है। तो चलो यार जल्दी से इसे मार देते हैं और इसके बॉडीगार्ड के सारे कपड़े को पहन लेते हैं। ओ भाई, अब तो हम लोग भी एकदम एक बॉडीगार्ड जैसे लग रहे हैं। तो चलो यार अब हम लोग ऐसा नाटक करेंगे कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और मैंने जो है उस बंदे के बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया है। तो चलो यार हम लोग जल्दी से अगले सुपर हीरो की कार को खोजते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं जरा अंदर राउंड लगा के आता हूँ। ओ यार उसे शंका भी नहीं हुआ है। तो चलो हम लोग इस घर के अंदर फाइनली आ चुके हैं। लेकिन यार वो कार किधर हो सकती है? चलो भाई, तो हम लोग एक और कमरे में आ चुके हैं। और ये क्या भाई, सामने तो हल्क है और हल्क के सामने उसकी कार है। तो चलो यार दिल को एकदम थाम के हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। हल्क सर कैसे हैं आप? मैं जो है यहाँ पे राउंड लगाने आया हूँ। तो सर मैं जो है आपकी एक गाड़ी देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस गाड़ी की थोड़ी सी सर्विसिंग करवा देता हूँ। ओ भाई ये देखो यार, हल्क को हमारे ऊपर जरा सा भी शंका नहीं हुआ है। तो चलो यार हम लोग कार में बैठ गए हैं। और फ्रैंकलिन प्लीज कोई जल्दीबाजी मत करना। चलो हम लोग धीरे धीरे इस कार को यहाँ से निकालते हैं। चलो भाई, तो हमने बहुत ही आसानी से इस कार को गैरेज में से बाहर निकाल लिया है। तो सर मैं इसे रिपेयरिंग करवाने ले जा रहा हूँ। और ये देखो यार, इसे चोरी करना कितना ज्यादा आसान था। लेकिन एक सेकंड यार भाई, ये चिल्लाने की आवाज़ कैसा आ रहा?
भाई मेरे ख्याल से हल्क को पता चल गया है कि हमने उसकी कार को चोरी किया है। फ्रैंकलिन जल्दी कर, जल्दी से भाग यहाँ से इससे पहले कि हल्क यहाँ आ जाए। चलो भाई जल्दी जल्दी यहाँ से भागते हैं। और एक सेकंड भाई, अरे यार ये क्या हो गया यार, हल्क हमारे पीछे पड़ चुका है, उसे पता चल चुका है कि हमने उसकी कार को लिया है। अरे हल्क प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। भाई यार ये तो कार का कबाड़ा करते जा रहा है यार, चलो हम लोग जल्दी से भागते हैं। भाई हल्क ऐसे नहीं मानेगा, हमें उससे लड़ना ही होगा। तो चलो यार मैं अपना मिसाइल चला रहा हूँ, लेकिन यार उसने हमें कितना दूर फेंक दिया। तो चलो यार अब हम लोग जल्दी से अपने घर भागते हैं। फाइनली यार हल्क ने हमारा पीछा छोड़ दिया है और हम लोग इस कार को भी लेके अपने घर पे आ चुके हैं। तो चलो सिमियन तुम इस कार का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अगली कार लेने। चलो भाई, तो सिमियन ने मुझे कहा है कि जो हमारी अगली कार है वो एक सीक्रेट बैट केव के अंदर है, लेकिन यार मुझे यहाँ पे कोई केव दिखाई तो नहीं दे रहा। और एक सेकंड भाई, मुझे यहाँ पे जाने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो हम लोग इसके अंदर चलते हैं। अरे यार चलो चलो चलो, ओह भाई इस झाड़ी के पीछे इतना सीक्रेट केव है। और भाई एक सेकंड यार, मुझे सामने एक कार दिखाई दे रहा है और भाई उस कार के बगल में तो बैटमैन है। इसका मतलब भाई ये जो है बैटमैन की कार है और तुम लोग देख सकते हो कि सामने बैटमैन है। तो चलो यार वो जो है उस तरफ मुंह किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं अपना चाकू निकालते हैं और यार जल्दी से उसे मार देते हैं। तो चलो यार अब जाके हम लोग एकदम फ्री हैं। तो चलो अब हम लोग जल्दी से इस कार में बैठते हैं। और भाई ये देखो यार, ये कार तो हवा में भी उड़ सकता है। यार मैंने इतना शानदार बैट मोबाइल कभी नहीं देखा। और ये देखो भाई, इसके अंदर मशीन गन भी लगा हुआ है। तो चलो हम लोग जल्दी से इस कार को बाहर निकालते हैं। भाई यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि इस कार को बाहर निकालने में कितनी दिक्कत हुई। तो चलो यार हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं और तुम लोग देख सकते हो कि ये कार सनलाइट में कितनी ज़्यादा ओपी लग रही। और ये देखो भाई, इसके अंदर बूस्ट भी है और इसकी हाईएस्ट स्पीड 575 है। तो चलो यार हम लोग जल्दी से इस शानदार कार को अपने घर पे ले चलते हैं। चलो भाई, तो हम लोग बैटमैन की भी कार को लेके अपने घर पे आ चुके हैं। और सिमियन सारी कार्स का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अगली कार लेने। चलो भाई, तो मुझे अपने मुख्य सूत्रों से पता चला है कि जो हमारी अगली कार है वो इस सामने लॉस सैंटोस ह्यूमन लैब्स के अंदर है। तो चलो यार हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं और यार सबसे पहले हम लोग इसे मार देते हैं ताकि कोई भी सबूत न रहे। तो चलो अब हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अंदर चलते हैं, लेकिन यार यहाँ पे तो कोई कार ही नहीं है। यार हमें जो कार चोरी करनी है वो तो यहीं कहीं होना चाहिए। चलो हम लोग आगे देखते हैं। और ये क्या यार, सामने मुझे एक गैरेज दिखाई दे रहा है, चलो हम लोग इस गैरेज के अंदर चलते हैं। लेकिन भाई ये दरवाजा शायद से लॉक है, चलो हम लोग पास जाके देखते हैं। और यस यार ये दरवाजा खुल गया है। और ये देखो भाई, यहाँ पे तो एक सुपर कार है, लेकिन उसके बगल में ये देखो भाई यहाँ पे खून कैसा है यार। और तुम लोग देख सकते हो कि किसी को मारा गया है यहाँ पे। ओ यार यहाँ पे तो जगह जगह लोगों को मारा गया है। यार जल्दी से हम लोग कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। चल 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 जल्दी से हम लोग इसमें बैठते हैं। अरे यार ये कार तो लॉक है यार, तब हम लोग इसकी चाबी को कहाँ ढूंढें। ओके तो चलो हम लोग इधर देखते हैं। यार यहाँ पे तो जगह जगह लोगों को मारा गया है। चलो हम लोग ऊपर देखते हैं। यार मुझे कहीं भी चाबी दिखाई तो नहीं दे रही है। चलो हम लोग अंदर चल के देखते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा यार, यहाँ पे तो वेनम है। यार चलो चलो, हमने उसे बहुत सही टाइम पे मार दिया। और ये देखो भाई, हमको वेनम से चाबी भी मिल चुकी
चुकी है। मतलब कि भाई ये जो कार है ये असल में वेनम की है। तो चलो यार ये कार अनलॉक भी हो चुकी है और इससे पहले कि वेनम को वापस से होश आए हम लोग जल्दी से इस कार को ले चलते हैं। और ये क्या यार, ये कार तो लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो है। तो चलो यार इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हम लोग जल्दी से अपने घर पे चलते हैं। ये लो सिमियन, तुम अपनी कलेक्शन में एक शानदार सी वेनम की लैम्बोर्गिनी को भी ऐड कर लो। तो चलो यार हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। चलो भाई, तो सिमियन ने मुझे कहा है कि जो हमारी अगली कार है वो इस सामने वाले मैंसन में है। और भाई ये मैंसन असल में आयरन मैन का मैंसन है। तो चलो यार हम लोग बहुत संभल के आगे चलते हैं और यार एकदम आराम से। और भाई ये क्या यार, मुझे सामने कोई दिखाई दे रहा है। चलो हम लोग पास चल के देखते हैं। ओ भाई ये तो आयरन मैन है भाई, उसने अपने सूट को एक हल्क बस्टर सूट में अपग्रेड कर दिया है। तो चलो यार इससे पहले कि वो हमें कुछ करे हम लोग जल्दी से अपनी आरपीजी निकालते हैं और कुछ देर के लिए उसे बेहोश कर देते हैं। यार चलो, तो भाई शायद से वो अब बेहोश हो गया है। भाई तुम लोग देख सकते हो कि हमने फाइनली आरपीजी से आयरन मैन को बेहोश कर दिया है। तो यार इससे पहले कि उसे होश आए हम लोग जल्दी से इस कार में बैठते हैं। और यार ये कार तो अनलॉक भी है, तो इससे पहले कि किसी को पता चले निकल ले फ्रैंकलिन अपनी जान बचा के। और यार ये कार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलो यार जल्दी से इस कार को भी अपने घर पे ले चलते हैं। चलो भाई, तो हम लोग आयरन मैन की भी कार को लेके अपने घर पे आ चुके हैं। और ये देखो यार, इसके नंबर प्लेट पे भी आयरन मैन लिखा है। तो चलो हम लोग इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। चलो भाई, तो मुझे अपने कुछ मुख्य सूत्रों से पता चला है कि जो हमारी अगली सुपर हीरो कार है उस कार का इस सामने वाले जगह पे एक्सीडेंट हो गया है। तो चलो यार हम लोग नॉर्मली आगे चलते हैं। लेकिन यार मुझे यहाँ पे कोई भी खास कार दिखाई नहीं दे रही। और एक सेकंड भाई, ये तो एक सुपर कार है और इसके ऊपर अमेरिका का फ्लैग बना है। और ये देखो भाई, ये तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। इसका मतलब भाई ये कैप्टन अमेरिका की कार है। तुम लोग देख सकते हो कि इसके नंबर प्लेट पे भी कैप्टन लिखा है। तो यार अभी सब लोग अपने काम में बिजी है, तो यार धीरे से इसे निकाल लेते हैं। और एक सेकंड यार, तुम लोग ये गौर कर रहे हो, इसका जो इंटीरियर है वो लगातार चेंज होते जा रहा। ये देखो अभी इस इंटीरियर का कलर ग्रीन है और तुम लोग देखते जाना ये ग्रीन से अब ये बदल के लाइम ग्रीन हो गया है। ये लो सिमियन, इस बार हमने तुम्हारे लिए कैप्टन अमेरिका की कार को लाया है। लेकिन यार हम लोग इस कार को पार्क कहां करें? चलो हम लोग इसे यहां पे लगा देते हैं। और सिमियन कार का ध्यान रखना, मैं अगली कार लेने जा रहा। भाई सिमियन ने मुझे अगली कार के लिए इसी लोकेशन पे भेजा है, लेकिन यार मुझे तो यहां पे कोई कार दिखाई नहीं दे रही। चलो हम लोग आगे देखते हैं। और एक सेकंड यार, मुझे तो वहां एक कार दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमें इसी कार को चोरी करना है। तो यार आसपास कोई है भी नहीं, धीरे से हम लोग इसमें बैठते हैं। अरे यार ये कार भी लॉक है। तो चलो कोई नहीं यार, बिना डरे हम लोग धीरे धीरे इस घर के अंदर चलते हैं। और यस यार, इस घर के अंदर शायद कोई है नहीं। तो चलो हम लोग जल्दी से कार की चाबी को ढूंढते हैं। और ये देखो भाई, चाबी भी जस्ट हमारे सामने है। चलो भाई हम लोग जल्दी से कार को अनलॉक करते हैं। और यस यार, बहुत ही आसानी से ये कार चलने भी लगी है। लेकिन यार ये कार है किसकी? भाई मेरे ख्याल से ये कार फ्लैश की होगी। तो चलो यार इससे पहले कि फ्लैश यहाँ आ जाए हम लोग जल्दी से इस कार को लेके यहाँ से निकलते हैं। भाई मैं अभी इस कार को चला ही रहा था और तुम लोग देख सकते हो कि इसकी हाईएस्ट स्पीड 539 है। भाई इतनी ज्यादा स्पीड तो सिर्फ फ्लैश की कार की ही हो सकती है। चलो भाई, तो फाइनली हम लोग आज की लास्ट कार को भी चोरी करके ला दिए हैं। तो चलो हम लोग इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। और सिमियन, आज मैंने बहुत मेहनत किया है, तो जल्दी से मुझे मेरे 80 मिलियन डॉलर्स दो। ये देखो भाई, सिमियन ने मुझे मेरे 80 मिलियन डॉलर्स भी दे दिए हैं। तो चलो यार अब तुम्हारी बारी है कि तुम जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज की सारी कार में से कौन सी सुपर हीरो की कार सबसे ज्यादा मस्त लगी। अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो मुझे तो सबसे ज्यादा मस्त ये बैटमैन की कार लगी है। लेकिन तुम्हारी इनमें से कौन सी कार फेवरेट
फेवरेट है प्लीज कमेंट में नीचे जरूर बताना। तो चलो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड जय हिंद।